हेलो गाइस, वेलकम टू सेंसल ऑफ मेडिकल साइंस। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे माइक्रोब्स इन सीवर स्टेटमेंट। ये हमारा क्लास 12 का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का चैप्टर में आता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में देखा था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या यूज होता है एंड माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या यूज होता है। तो वो हमारा था पहला लेक्चर, एंड ये हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का सेकेंड चैप्टर है, जिसमें हम लोग देखेंगे माइक्रोब्स का सीवेज ट्रीटमेंट में क्या यूजफुल होता है इसका। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीवेज क्या है। सीवेज इज़ द म्यूनसिपल वेस्ट वाटर कंटेनिंग लार्ज ह्यूमन एक्सक्रीटा, ठीक है ना। इट कॉन्टेन ऑर्गेनिक वेस्ट एंड पैथोजेंस। ये क्या क्या है इसमें, ये म्यूनसिपल वेस्ट वाटर है, जिसमें ह्यूमन का मतलब हम लोग डेली जो अपन लोगों का वेस्ट रहता है वो जाता है इसमें। इसमें क्या क्या ऑर्गेनिक वेस्ट रहता है एंड पैथोजेंस रहता है। इसको जो नेचुरल वाटर में, मतलब प्योर वाटर में, इसको रिवर वगैरह में डिस्चार्ज करने से पहले इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मीन्स इसमें से जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट है एंड हार्मफुल है रिवर के फिश के लिए एंड एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, तो इसका ट्रीटमेंट करते हैं एंड टॉक्सिक सब्सटेंस को हटाते हैं ताकि एक्वेटिक लाइफ सेफ रहे एंड वो हमें भी आके नुकसान ना करे। बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज, सीवेज इज मेड लेस पॉल्यूटेड बाय ट्रीटिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बैठाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जगह जगह पे। तो इसमें दो तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है एंड दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं प्लांट कैसा रहता है सीवेज ट्रीटमेंट का। तो हम लोग पहले देखेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल रिमूवल ऑफ सीवेज पार्टिकल्स। इसमें फिजिकल रिमूवल ऑफ सीवेज पार्टिकल्स होता है कैसे कैसे, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन के थ्रू। इनिशियली फ्लोटिंग डेबिट्स इज रिमूव बाई फिल्ट्रेशन, जो तैरता हुआ कचरा रहता है उसको हम लोग फिल्ट्रेशन से निकालते हैं एंड जो सॉइल और स्मॉल पिबल्स रहता है उसको हम लोग सेडिमेंटेशन के थ्रू निकालते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ऑल सॉलिड डैट सेटल फ्रॉम प्राइमरी स्लग एंड डैट आर सुपरनेंट फॉर्म ऑफ इफ्लुएंट। अब जितने भी सॉलिड रहते हैं वो नीचे जाके बैठ जाता है एंड एक लेयर बना लेता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग प्राइमरी स्लग बोलते हैं एंड जो उसका उस लेयर का फॉर्म रहता है उसको हम लोग इफ्लुएंट बोलते हैं, ठीक है ना। द इफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन इनटू सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और इसको हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इसको कर दिया जाता है। इस मतलब इसका नेक्स्ट प्रोसेस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता है। तो हम लोग देखेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट दोस्तों, ठीक है ना। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर, द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास इंटू लार्ज एरिएशन टैंक। जो हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट था उसको लार्ज एरिएशन टैंक में पास किया जाता है। इससे क्या होता है, एरोबिक माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है एंड ये जो एरोबिक माइक्रोब्स रहता है ये मोस्ट ऑफ द मेजर पार्ट को ये कंज्यूम कर लेता है, मतलब डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है ना। दीज माइक्रोब्स कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट, ठीक है ना। दस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस बीओडी, जिससे क्या होता है, फायदा क्या है, बीओडी का डिक्रीज होता है, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाता है। बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है हम लोग इसके आगे देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। वंस द बीओडी ऑफ सीवेज रिड्यूज, द इफ्लुएंट इज देन पास इनटू सेटलिंग टैंक। जैसे ही हमारा बीओडी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है तो जो प्राइमरी इफ्लुएंट रहता है उसको हम लोग कहाँ सेटलिंग टैंक्स में पास करते हैं। नेक्स्ट सेटलिंग टैंक्स में व्हेन द बैक्टीरिया जिसको फॉल्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, जब ये जो बैक्टीरिया है उसको सेडिमेंट के लिए अलाउ किया जाता है, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लग। इस हम लोग सेडिमेंट्स को क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लग बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द स्लग इज पम्प्ड इनटू एन एरोबिक स्लग डिजास्टर। जो स्लग्ड है उसको कहाँ पे पंप किया जाता है, मतलब भेजा जाता है, फिर एन एरोबिक स्लग डिजास्टर में इसको हम लोग पास करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका स्टेप है, इन द एरोबिक स्लग डिजास्टर एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द स्लग।
जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया रहता है वो नॉर्मल बैक्टीरिया एंड फंजाई को डाइजेस्ट कर रहता है। ड्यूरिंग दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस बायोगैस, जो इसकी इस डाइजेस्ट के समय में जो बैक्टीरिया रहता है वो एक्सक्रीशन जो करता है वो बायोगैस वगैरह को एक्सक्रीट करता है, ठीक है ना, डाइजेशन के वक्त। द इफ्लुएंट ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज रिलीज इन टू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड स्ट्रीम्स। एंड इसके बाद सारे ट्रीटमेंट के बाद जो नेचुरल वाटर बॉडी रहता है उसको हम लोग रिवर एंड स्ट्रीम में रिलीज कर देते हैं। तो इससे जितनी भी वेस्ट वाटर का टॉक्सिसिटी रहता है एंड वेस्टेज रहता है उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्या? BOD इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइजिंग टोटल ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया। ये क्या है? ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो कि ऑक्सीडाइजिंग करने, किस चीज़ को ऑक्सीडाइजिंग करता है? ऑर्गेनिक मैटर और बैक्टीरिया को ऑक्सीडाइजिंग करने में जो ऑक्सीजन का डिमांड है इसको हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलेंगे। इन 1 लीटर ऑफ वाटर एंड पर लीटर ऑफ वाटर मीन्स 1 लीटर ऑफ वाटर में BOD इज मेजर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। BOD से क्या मेजरमेंट करता है ये कि ऑर्गेनिक मैटर कितना अमाउंट में वो वाटर में प्रेजेंट है। ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वेस्ट वाटर इज मोर इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। जितना BOD रहेगा वो उसको करता है कि वाटर में उतना पॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का कि माइक्रोब्स हमारे सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प करता है। तो आज का हमारा लेक्चर जो कि सेकेंड लेक्चर था यहीं तक था। तो हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री है ताकि आप लोगों को कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन मिलते रहे एंड